हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पिलर में तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं भैया मेरे तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी का महाशीरीज बोले तो एक हजार का सीरीज भैया मेरे हिंदी का भी हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं तो भैया मेरे हिंदी के लिए बच्चे जो है ना वो डिमांड करे जा रहे थे तो सर की एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ के हम लोग बोर हो चुके हैं तो थोड़ा सा हिंदी का भी लगा दीजिए तो भैया हमारे आज हम लोग जो तो है ना भैया हमारे आज हम लोग जो है ना आज हम लोग लो हिंदी को लेकर आए हैं तो जल्दी से सबको जुड़ जाइए जा सबको गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग बाबू मेरे सबको गुड इवनिंग जल्दी से फटाफट जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे हैं जल्दी से जुड़ जाइए जा जा और शेयर कर दीजिए शेयर वेयर नहीं कर दो तो आप लोग यार एक बार शेयर कर दो यार है कि नहीं है सर जल्दी से फटाफट सब कुछ शेयर कर दो भैया हमारे शेयर कर दो शेयर करना तो बनता है सर शेयर करना तो बनता है बिल्कुल शेयर कर दो भैया हमारे सब कुछ शेयर कर दो कहाँ गए हिंदी महोदय अरे बहुत छुप के बैठे हो यहाँ पर आ जाओ सर चलो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्त है ना तो जल्दी से, से शेयर सब कोई कर दीजिए सर गुड इवनिंग सर चलिए सर शेयर कर दिए बहुत बढ़िया सर चलो बाबू नीचे से थोड़ा सा ये वाला जल रहा है चलिए सर पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से पहला प्रश्न जो है ना आपके सामने कुछ इस प्रकार से है मेरे दोस्त कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा जो है ना बन जाता है इस वाक्य में बुढ़ापे कौन से संज्ञा सर ये बता दो जल्दी से सर इस वाक्य में जो बुढ़ापे की बात हो रही है मेरे दोस्त वो कौन सी संज्ञा ये बता दो जल्दी से सर ओके सर जल्दी से बता दो सर फटाफट सर इसमें क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा सर भाववाचक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ये महोदय हो जाएंगे अपने भाववाचक हो जाएंगे कौन महोदय हो जाएंगे ये ये हो जाएंगे अपने भाववाचक ये क्या शुरू हो गया बदलने का ओके okay, सर कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त ये हो जाएंगे भाववाचक ओके ना अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू मेरे जल्दी से करिए विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं सर ये बता दो सर विशेषण के मुख्यतः भैया हमारे कितने भेद होते हैं जल्दी से बता दो विशेषण के भैया हमारे मुख्यता कितने भेद होते हैं बाबू जल्दी से बता दो सर ओके okay? सबको बाबू मेरे एक बार शेयर कर दो फटाफट सबको भैया मेरे और लाइक अभी का अभी कर दो भाई बाद में जो है ना आप लोग भूल जाते हो चलो मेरे दोस्त कितने होते हैं जल्दी से बता दो सर विशेषण के कितने भेद होते हैं सर तो ऑप्शन नंबर सर जी क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर भैया मेरे ए हो जाएगा चार भेद होते हैं मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो मेरे दोस्त अपने आपने क्या खाया है आपने क्या खाया है मेरे दोस्त इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है मेरे दोस्त अब ये बता दो निश्चय वाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चय वाचक, वाचक या फिर प्रश्नवाचक या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम बाबू मेरे इसका आंसर सबको बता दो मेरे दोस्त मेरा जी करके चल लो बता दो ओके okay, सर वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर सर थ्री का जो है ना भैया मेरे ये प्रश्नवाचक मामला है सर अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसको बता दो भविष्य काल के कितने प्रकार है सर भविष्य काल के भैया हमारे कितने प्रकार है चार तीन दो पांच है ना भविष्य काल के भैया हमारे कितने प्रकार है जल्दी से बताते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो चलो जल्दी से बताते चलो सर और प्रेम की गंगा बाबू मेरे बात है कितने प्रकार है जल्दी से बता दो सर तीन होता है ना सर चलिए बहुत बढ़िया सर इसका आंसर आना शुरू हो गया सर चार का कितना हो जाएगा सर चार का बी नंबर आंसर क्लियर अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है लौह पुरुष में बाबू मेरे कौन सा समास है द्वंद्व समास है न जो है भैया हमारे कर्मधार है या फिर सर द्विगु है इसमें से कौन सा समास है सर सर जी थमनेल पर क्या लग गया भाई थमनेल पर क्या लग गया अच्छा थमनेल पर आज दो दो आदमी हम हैं सर क्या बात है सर थमनेल पर आज दो दो आदमी दो दो फोटो लगा दो दो फोटो लगाए हो क्या थमनेल पे एक इधर से किधर से कमाल करते हो पांडे जी तभी तो मैंने कहा कहूँ कि भैया मेरे ये हो क्या रहा है हाँ सर जल्दी से बताइए फटाफट आंसर ओके इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यस मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको करिए सर निर्जन में कौन सा उपसर्ग है सर निर्जन में भाई मेरे कौन सा उपसर्ग है निर्जन में भैया मेरे कौन सा उपसर्ग है जल्दी से बता दो क्या नी है सर निर है या फिर नी है सर या फिर ये वाला नहीं अच्छा ये दोनों तो एक ही हो गया सर है ना ये दोनों तो एक ही है कॉमन हो गया भैया मेरे तो जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिल गया सर इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्स का आंसर आना शुरू हो गया सर सिक्स का आंसर बी और सी भैया हमारे बी और डी भाई दोनों हो जाएगा दोनों तो एक ही है सर है ना चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है निम्नलिखित शब्दों में सर कौन सा शब्द जो है ना वो शुद्ध है सोनित सोनित शोनित शोनित भैया मेरे जल्दी से बता दो सर हाँ इसमें क्या सर सोनित है सोनित है सोनित है या फिर सोनित भैया मेरे इसमें कौन सा शब्द मेरे शुद्ध है जल्दी से बता दो अरे प्रेम की गंगा बहाते चलो जल्दी जल्दी बताते चलो चलो भाई जल्दी से बता दो यस कौन सा भैया इसमें है शुद्ध वाला मामले में सर सोनी ना मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बताओ सर के के बाद एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक आय हो जाता है आय हो, 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 हो जाता है औ हो हो जाता जाता है 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 आय ना अच्छा ये दोनों तो भैया मेरे एक ही है लेकिन फिर भी सर आप बताओ इसका आंसर क्या होगा सर यदि एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है आय हो जाता है एक का क्या हो जाएगा आय आय आय

प्यास से घेट होगा मेरा बात सुनो भैया पर कौन, हो मैं दोस्त। में जल्दी दो कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है बिल्कुल सर बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर सर।, सर आपके दर्शन कब होंगे है ना बच्चों की बात रही है गुरुजी आपके दर्शन कब होंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो होंगे सर ना होंगे तो होंगे मेरे दोस्त जल्दी से बता दो सर हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है सर हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ बाबू मेरे क्या है जल्दी से बता दो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है सर हाथ धोना सफाई करना चोरी करना गंदगी फैलाना क्या है मेरे दोस्त हाथ साफ करने मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है मतलब उसका भैया मेरे सही अर्थ क्या है शाब्दिक अर्थ नहीं सही अर्थ बता दो हाँ भाई बता दो सर तो भैया मैंने चोरी करना है ना पता चला कि मेरे पॉकेट पे किसी ने हाथ साफ कर लिया है ना अभी मेरे किसी मेरे साफ कर लिया। मतलब क्या सर किसी ने मेरे पॉकेट मार लिया ने चोरी कर लिया है ना चलो अगला क्वेश्चन सर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो ना शुद्ध है हितैषी 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 सर कौन सा भैया मेरे इसमें सभी हितैषी है लेकिन इसमें से शुद्ध वाला कौन है ये बताते चलो हम्म इसमें से शुद्ध वाला बाबू मेरे कौन है ये बताते चलो चले बाबू बताइए जल्दी से फटाफट सबको मिलकर चलिए जल्दी जल्दी बताइए सर हम्म जल्दी जल्दी बताइए सर और जो है ना नेक्स्ट क्लास में बाबू मेरे हम लोग लेने वाले सर टोटल पांच नंबर है ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग पांच नंबर लेने वाले हैं कल हमने सर पांच से सात नंबर आपको दिया था सर लेकिन आज जो है ना पांच नंबर फिर मिलने वाला है है ना दो दिन के अंदर बारह नंबर मैंने आपको दे दिया सर है ना कल भी हमने पांच से सात नंबर दिया था सर और आज हम देने वाले हैं सर पाँच से सात नंबर आज भी मिलेगा तो मतलब हमको लगता है सर दो दिन के अंदर में बारह से पंद्रह के बीच में भैया मेरे आपको नंबर जो है ना वो मिलने वाला है ओके सर तो आज जो है ना आज होने वाला सर आज जो है ना हमने सोचा सर सांख्यिकी को क्यों नहीं निपटा ले सर है ना कि फिर वो रह जाएगा फिर बाद में तो सांख्यिकी को हम आज निपटा लेते हैं ठीक है तो आज सांख्यिकी को बाबू मेरे हम लोग निपटाएंगे अगले क्लास में यानी साढ़े सात बजे वाले क्लास में ठीक है ना तो सबको जुड़ना सबको प्यार से पढ़ना देखो मेरे दोस्त इसमें ये महोदय हो जाएंगे सर हितैषी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओके okay, सर ग्यारह का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे दोस्त ये हितैषी होगा सर हम्म क्या होगा मेरे दोस्त ये हितैषी महोदय हो जाएंगे और ये हितैषी एक मिनट सर नहीं हाँ ठीक है सर ये हितैषी महोदय बिल्कुल सही आंसर है ओके सर अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बताइए सर अष्टाध्यायी में कौन सा समास है अष्टाध्यायी में भैया कौन सा समास है द्विगु है 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 अव्ययी भाव या फिर सर अष्टाध्यायी भैया नब्बर इसमें कौन सा समास है जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर अष्टाध्यायी में भैया कौन सा समास है बता दो सर प्रेम की गंगा बहाते सर वो जल्दी जल्दी बता दो जल्द जब सबको मिलकर सर हम्म इसमें कौन सा समास है मेरे दोस्त यस सर अष्टाध्यायी में भैया कौन सा समास है चलो मेरे भाई जल्दी से बता दो द्विगु महोदय जिंदाबाद हाँ सर द्विगु महोदय जिंदाबाद अगला क्वेश्चन आपके सामने भारत में ये भारत ये हलंत नहीं होगा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है ना प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण अप्रत्यक्ष नहीं भी हमारे प्रत्यक्ष की बात हो रही है ना ये अप्रत्यक्ष नहीं होगा सर प्रत्यक्ष होगा सर है ना भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण भी हमारे इसमें से कौन है अब ये बता दो सर कौन है भैया मेरे तेरह का आंसर बता दो सर तेरह में क्या हो जाएगा जाति प्रथा है ना जाति प्रथा सर, सर? मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं है ना ये मुर्दाबाद है ना इसको मुर्दाबाद करो चलो अगला क्वेश्चन सर पेड़ का पेड़ पर कमरा होगा ना सर पेड़ का कमरा नहीं सर पेड़ पर कमरा किसकी रचना है सर विनोद कुमार शुक्ल की अशोक वाजपेयी की अमरकांत जी की या फिर जतेंद्र मिश्र की ये किसकी रचना है जल्दी से बता दो सर पेड़ पर कमरा होगा सर है ना चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त विनोद विनोद कुमार शुक्ल जी ना सर है ना सुकुल जी हैं भैया मेरे इसके आंसर हाँ बिल्कुल सर सुकुल जी बिल्कुल सही है सर विनोद कुमार सुकुल जी बिल्कुल आंसर सही आ रहा है आप लोग बिल्कुल सर बहुत बढ़िया और एक बार लाइक वाइक भी करते चलो शेयर वेयर भी करते चलो मेरे दोस्त है ना शेयर भी आप लोग कर दो भैया मेरे जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं एक बार शेयर तो जरूर कर दो और लाइक की संख्या अभी भी कम है भाई लाइक भी कर दो है ना बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है सर ढाते विश्वास का दही वाली मंगमा का नगर का या फिर माँ का सर बी आर नारायण ने सर किस कहानी का भैया मेरे अनुवाद किया अब ये भी बताते चलो है ना बी आर नारायण ने सर किस कहानी का अनुवाद किया है मेरे दोस्त तो दही वाली मंगमा दही वाली मंगमा का बाबू मेरे जो ना उन्होंने किया है सर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इज द राइट आंसर सर बी नंबर ठीक है सर बी आर नारायण ना, एक बार चेक कर लेना मेरे दोस्त दही वाली मंगमा क्या सही है सर अगर होगा सर मिस्टेक तो बता देना कमेंट बॉक्स में है ना गुरु जी स्वागत कर रहे हैं आपका ठीक है चलो अगला क्वेश्चन सर कवित्री अनामिका का जन्म बाबू मेरे कब हुआ उन्नीस सौ इकसठ उन्नीस सौ बासठ तिरसठ चौसठ कब हुआ भैया मेरे अना कवित्री अनामिका का जन्म बाबू मेरे कबुआ जल्दी से बता दो हाँ बच्चे शेयर करने चले गए <laughs> चले इसको बताइए सर सबको मिलकर सर कवित्री अनामिका का जन्म बाबू मेरे कबुआ उन्नीस में हुआ था या फिर सर इसमें बासठ तिरसठ चौसठ भैया मेरे कबुआ था तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर उन्नीस में हुआ था चलो बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू मेरे इसको बता दो घनानंद की भाषा क्या थी सर घनानंद की बाबू मेरे भाषा क्या थी जल्दी से बता दो सर घनानंद की बाबू मेरे भाषा क्या थी घनानंद महोदय की भाषा क्या थी सर अवधि थी ब्रज भाषा थी प्रकृत भाषा थी पाली थी भैया मेरे कौन सी भाषा थी घनानंद की चलो बाबू जल्दी से बता दो घनानंद की कौन सी भाषा थी भाई है ना तो बिल्कुल सर ब्रज भाषा है ना इनकी भाषा थी सर ब्रज भाषा थी अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बताओ किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था किसके अनुसार जो भैया हमारे सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया था सर बेटियों के अनुसार खोखा के अनुसार मदन के अनुसार गिरधर के अनुसार बेटियों को तो भैया मेरे बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया गया था कि भैया मरे आप लोग ऐसे ना करो वैसे ना करो ये ना करो वो ना करो लेकिन एक ही था उसमें खुरापात जिसके अनुसार जो ना अपने खुद को बदल लिया था सर खोखा महोदय के अनुसार जो ना उसने सिद्धांतों को बदल लिया था अपने अगला क्वेश्चन दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था सर बता दो दारिश नामक सोने से भरा सिक्का घड़ा जो ना किससे किसको मिला था सर सोने से सोने के सिक्कों से भरा जो है ना घड़ा किसे मिला था यस मेरे दोस्त आंसर प्लीज किससे मिला था और मेरे वारेन हेस्टिंगस को मिला था किसको मिला था सर वारेन हेस्टिंगस को और ये जो है ना बहादुरी के लिए भेज दिया था सर इंग्लैंड है ना और वहां पे पता चला उसको गला दिया गया था <laughs> वहां पे पता चला कि उसको गला दिया गया गला वाला के खत्म कर दिया गया था सोचो सर कैसा उसको लगा होगा है ना कितना मतलब दुख हुआ होगा चलो डहते विश्वास किस भाषा की अनुदित है सर कन्नड़ में तमिल में उड़िया में या फिर गुजराती में सर डहते विश्वास की बात हो रही है सर। जो ना किस भाषा में है सर जल्दी से बता दो यस yes, दोस्त दोस्त विश्वास किस भाषा में, में तो का आंसर भी सी नंबर उड़िया में क्या बात है सर अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है सर दूर चट्टानों की ठंडी गोद में सर किस कवि की पंक्ति है मेरे दोस्त ये बता दो सर दूर चट्टानों की हां ठंडी गोद में सर किसकी ये जो है ना ये रचना है ये किस कवि की रचना है बता दो यस yes, मैं तो रचना नहीं कर किस, किस की मेरी एक पंक्ति है क्या नाम है सर इनका है ना रेनर रेनर मारिया रिल के नाम जबरदस्त है सर नाम पसंद आ गया अब पसंद आ गया सर नाम चलो अगला क्वेश्चन जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई सर यह मन विहंगम वन सेन रूपसी बंगला झरा पालक किसको दिया गया था सर है ना किसको दिया गया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 22 का आंसर आना शुरू हो गया सर 22 right आध्यात्मिक शिक्षा, शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है सर आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है सर पुस्तक की शिक्षा यंत्रों की शिक्षा बुद्धि की शिक्षा हृदय की शिक्षा भैया हमारे क्या अभिप्राय है यस बाबू क्या अभिप्राय है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है पुस्तक की शिक्षा यंत्रों की शिक्षा बुद्धि की शिक्षा हृदय की शिक्षा किसकी शिक्षा कैसी शिक्षा तो भैया हृदय की शिक्षा यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हृदय की शिक्षा अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर अभिनियो में उन्नीस दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की सर कितने गद्य की रचना की सत्ताईस किया था कि अट्ठाइस किया था कि उन्तीस किया था कि तीस किया था सर कितना किया था सर तो चौबीस का आंसर आना बिल्कुल शुरू हो गया सर तक घूमेगी किस भाषा में, में सर उड़िया में गुजराती राजस्थानी कन्नड़ किस भाषा में है बाबू अब ये बताते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो सर ओके सर जल्दी से दो सर धरती कब तक घूमेगी सर किस भाषा में है मेरे दोस्त पच्चीस का आंसर भैया मेरे सबको भैया मेरे डी नंबर और कुछ लोग सी नंबर दे रहे भैया मेरे सी नंबर सही है सर अपना राजस्थानी भाषा में सर अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दे सर पपाती को कौन सा रोग था पपाती को बाबू मेरे कौन सा रोग था इसमें टेटनेस था, 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 था? 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 था हैजा था कैंसर था या फिर मैनजाइटिस था पपाती को कौन सा रोग था पपाती को कौन सा रोग था सर टिटनेस था हैजा था कैंसर मैनजाइटिस अरे भैया मेरे कौन सा रोग था सर मन था सर क्या था सर मनी था अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सर है ना इसी दुनिया में के में दुशक्र पहली पुस्तिका कवि ने कहा सर है ना किसके लिए भी हमारे उनको मिला था जल्दी से बता दो सर है ना यस बाबू आंसर प्लीज और अभी तक भी हमारे ढाई सौ क्रॉस नहीं हुआ सर लाइक लाइक की संख्या बढ़ाते चलो और प्रेम की गंगा आते चलो है ना बच्चे जो है ना भावना में लीन हो जा रहे हैं ठीक है सीके सर मन लग रहा है सर पढ़ने में कसम से बताओ सर अब मन नहीं ना कर रहा होगा पढ़ने का सही से बताना सर है ना जो बच्चे शुरू से पढ़े होंगे ना सर उनको मन कर रहा होगा अभी पढ़ने का है ना लेकिन जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़े होंगे ना सर उनको मन कर रहा होगा सर उनको लग रहा होगा क्या पढ़े हम हई पढ़ें कि हई पढ़ें कि हई पढ़ी का पढ़ी है ना कुछ तो बुझात नहीं के कुछ पल्ले तो पढ़त नहीं के कि इतना पढ़ ली कि हई पढ़ ली हई पढ़ ली का पढ़ी अब वैसे बच्चे जो ना अब सोच रहे होंगे कि कहीं से भी हमें दस को क्वेश्चन मिल जाता ना गेस जो आ जाता एग्जाम में तो हम उसी को पढ़ के तैयारी कर लेते सर ऐसे ऐसे फीलिंग्स आ रही होगी सर इसीलिए हम शुरू से हम कहते हैं सर हम शुरू से कहते हैं कि जो पढ़ना है सर शुरू से पढ़ लो सर थोड़ा 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 करते करते अगर पढ़ोगे ना सर तो फिर लास्ट तक जो ना आपका पूरा हो जाएगा लेकिन जो बच्चे सोचेंगे चलो ना तीन महीने लास्ट में पढ़ लेंगे वही बच्चे जो है ना ऐसा कन्फ्यूज रहता है कि हई पढ़े कि हई पढ़ी का पढ़े कुछ बुझाते नहीं हो था 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 था। क्या ठीक है सर ऐसा होता है सर चलो इसमें क्या हो जाएगा प्रदेश विद्या पढ़ते पढ़ते सर सबकी बुद्धि विदेशी हो गई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर

हाँ, नगर भैया मेरे नगर कहानी की बात है सॉरी कविता नहीं सर कहानी किसके द्वारा रचित है बाबू मेरे जल्दी से बता दो तो ये सुजाता किसके द्वारा सर सुजाता जी हैं सर ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है किसके जीवंत प्रतीक है क्या वो मनुष्यता के हैं सभ्यता के हैं पार्श्विक वृत्ति है? के हैं सौंदर्य के हैं भैया हमारे किसके हैं है ना किसके जीवंत प्रतीक है बाबू मेरे जल्दी से बता दो किसके जीवंत प्रतीक है भैया मेरे तो वो पाश्विक वृत्ति के मृदोष है ना पशुता की निशानी है वो अगला क्वेश्चन आपके सामने है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बाबू मेरे कब हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बाबू मेरे हुआ जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बाबू मेरे हुआ जिस वर्ष जो है ना कहना कौन भैया मेरे थे जमशेद जी टाटा जाना टाटा स्टील फैक्ट्री का भैया क्या कर रहे स्थापना कर रहे थे उस समय इनका जन्म हुआ था वाह क्या बात है सर <laughs> इनका जन्म जाना कब हुआ था जल्दी से बता दो सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ना सर बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओके सर एक बच्चा तो बहुत लंबा जाना कमेंट दिया सर थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है सर दूसरों पे हंसना बंद करो बच्चा को आ, बच्चों कोई नहीं जानता आगे क्या होगा अगर हमसे आगे निकल गए तो हंसना नहीं चाहिए अच्छा वो बच्चों को हिदायत दिया जा रहा है ना ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल सर अगला क्वेश्चन सर अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर कि रही रास किन की रचना है सर है ना रही रास किन की रचना है गुरु गोविंद सिंह की रचना है नानक की नानक 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 दो बार हो गया सर है ना ये दो बार हो गया और घनानंद की किसकी रचना अभी मेरे जल्दी से बता दो रही रास बाबू मेरे किसकी रचना जल्दी से बता दो वही फटाफट मिलकर सब कोई कि रही रास बाबू मेरे किसकी रचना है है ना रहीरास बाबू मेरे किसकी रचना है सर यस मेरे दोस्त नानक के ना सर तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर इसको बता दो सर लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था सर अच्युतता गुणनिधि था लक्ष्मण या फिर शंकर लक्ष्मी के बड़े पुत्र का बाबू मेरे नाम क्या था जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर यस मेरे दोस्त भैया हमारे जल्दी से बता दें लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था सर तो उसका नाम था सर अच्युत नाम था मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक वृक्ष की हत्या में कभी शहर को किससे बचाने की बात करता है एक ब्रिक्स की हत्या में सर कभी जो है ना किसको बचाने की बात कर रहा है मेरे दोस्त किससे बचाने की बात कर रहा है शहर को सर लुटेरों से देश के दुश्मनों से नादिरों से या फिर इनमें से कोई नहीं सर तो इसका आंसर तो शायद आप लोग भैया मेरे बता ही सकते हो सर जल्दी से बता दो मेरे दोस्त इसका आंसर क्या होगा तो लुटोरे से तो बिल्कुल नहीं होगा सर है ना इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा मैं दोस्त नादिरों से बचाने की बात करता है मैं दोस्त है ना अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे इसको बता दो सबको मिलकर कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था सर गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास बाबू मेरे कब से कब तक था और अठारह सौ तिरानवे से उन्नीस सौ चौदह ईस्वी तक था या फिर अठारह सौ बानवे से उन्नीस सौ तो ये क्या बोलता है सर तेरह ईस्वी तक या फिर अठारह सौ चौरानवे से चौदह तक सर या फिर तिरानवे से तेरह तक इसका आंसर क्या होगा मेरे तो जल्दी से बता दो सब कोई मिलकर और प्यार से बताते चलो प्रेम की गंगा बात है चलो और अगले सेशन में जरूर जुड़ना मेरे तो, अगले सेशन में क्या होने वाला है सर आपको पांच नंबर आपके झोली में आने वाला सर ठीक है ना आज हम लोग सांख्यिकी को निपटाने की कोशिश करते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त जब पंडित पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जब मिला था उनको किनको सर पंडित बिरजू महाराज को तो भैया हमारे उस समय उनकी उम्र क्या थी सर उस समय उनकी उम्र क्या थी ये बता दो मेरे दोस्त कि क्या वो 27 वर्ष के थे 26 वर्ष के थे पचीस क्या 24 वर्ष के थे कितने वर्ष के थे मेरे दोस्त तो वो थे 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 27 27 वर्ष वर्ष के के कितने और अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर कभी ने माली मालिनी किसे कहा है सर माली मालिनी जो है ना किसे कहा है कभी ने है ना किसको बताया सर माली मालिनी शंकर पार्वती को गणेश जी को लक्ष्मी जी को कृष्ण राधा को राम सीता को किसको कहा है सर है ना किसको कहा है मेरे दोस्त जल्दी से बता दो फटाफट सबको mm. मिलकर सर तो ये कृष्ण जी को और राधा जी को कहा है सर माली मालिन कहा है मेरे दोस्त और मंगू के अलावा उसकी माँ को और कितने संताने थी सर मंगू के अलावा जो है ना उसकी माँ को और कितनी संताने थी बाबू मेरे कोई को बता मेरे दो फटाफट कोई बता दो मेरे दोस्त जल्दी से फटाफट कोई मिलकर सर यस उसकी माँ को कितनी संतानें थी मेरे दोस्त यस तीन और संतानें थी मेरे दोस्त कितनी संतानें थी और तीन संतानें थी अगला क्वेश्चन आपके सामने अज्ञे का जन्म बाबू मेरे कब हुआ था अज्ञे का बाबू मेरे जन्म कब हुआ था 1910 को हुआ था 1911 या फिर 1912 या फिर 1913 सौ तेरह अज्ञे जी का जन्म बाबू मेरे कब हुआ था जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर यस मेरे भाई आंसर प्लीज ओके okay, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त तो इसका आंसर जनाब ये मेरे उन्नीस सौ ग्यारह महोदय हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बीस द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सर के किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रश्मि रथी के लिए मिला था संस्कृति के चार अध्याय के लिए मिला था उर्वशी के लिए मिला था रेणुका के लिए मिला था मेरे दोस्त किसके लिए मिला था अब ये जल्दी से बता दो भैया मेरे है ना तो उर्वशी के लिए बाबू मेरे उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था उर्वशी के लिए बाबू मेरे मिला था और अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर नौतख खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है सर नौबत खाने में इबादत जो है ना, की कौन सी विधा है सर, निबंध है, कहानी है, 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 है मेरे दोस्त तो यहाँ पर इकतालीस का आंसर आना शुरू हो गया सर सी नंबर यानी व्यक्ति चरित्र है व्यक्ति चित्र है मेरे तो चरित्र नहीं व्यक्ति चित्र है अगला क्वेश्चन आपके सामने है नोब अच्छा ये दोबारा हो गया सर चलो अगला क्वेश्चन सर सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का भैया हमारे निर्णय लिया सीता के बेटों ने सर सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का जो ना वो निर्णय लिया था सर कितना रुपए लिया था सर पचास रुपए पचहत्तर रुपए सौ रुपए या फिर साठ रुपए कितना लिया था सर जल्दी से बता दो कितना लिया था भाई कितना लिया था तो भैया उसने कहा था चलो भैया तीनों बेटे मिलके पचास पचास दे, दे देंगे और तुमको चाहिए क्या है ना और तुमको चाहिए लिपि दे दे के लेख कब से, से, से मिलने लगते हैं आठवीं सदी छठी सदी नवी सदी या फिर चौथी सदी कब से बाबू मेरे मिलते जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर ओके सर चौवालीस का आंसर आना शुरू हो गया बहुत बढ़िया सर क्या बात है सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर आठवीं सदी जिंदाबाद सर चलो बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर बहादुर को कितने रुपए चोरी का भी था बहादुर के ऊपर जो ना कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था सर दस रुपए का लगा था ग्यारह रुपए का लगा था बारह रुपए का, का लगा था या फिर तेरह रुपए का लगा था कितने रुपए का भी हमारे चोरी का इल्जाम लगा था दस रुपए ग्यारह रुपए बारह रुपए तेरह रुपए कितने रुपए सर आखिर कितने रुपए सर तो ग्यारह रुपए का मात्र लगा था सर और ले कुटाई हुआ था उसका है ना चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने सर भारत माता भारत माता कविता में सर भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है सर आदर्श काल्पनिक यथा तथ्य या फिर इनमें से कोई नहीं सर चलो मैं जल्दी से बता दो सर सर भारत माता की बात हो इसमें ऐसा कैसा जो है ना भैया मेरे इसका चित्र जो है ना वो प्रस्तुत करने की कोशिश किया गया है सर तो जो था सर जो तथ्य है वो प्रस्तुत इसमें किया गया है यानी यथा तथ्य जो है ना भैया मेरे वो प्रस्तुत किया गया है अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है सर विच्छिन्न है अविचिन्न है विचिन्न और अविच्छिन्न दोनों है सर या फिर इनमें से कोई नहीं सर जातीय अस्मिता की बात हो रही है मेरे दोस्त तो इसमें से दोनों हो जाएगा आप दोनों भैया मैंने टिक कर लेना और भूल जाना सर है ना अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बताओ सर इसको बताना मेरे दोस्त कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है सर इसमें भारतीय पहनावे जो है वो बदल गए हैं इसमें पहनावे कौन सी संज्ञा हट जाए मेरे दोस्त मच्छर अभी आने तो तुमको चलो मेरे इसमें कौन सी संख्या संज्ञा है मेरे दोस्त ये जल्दी से बता दो ओके भाई जल्दी से फटाफट सबको मिलकर बताते चलो और प्रेम की गंगा बात है चलो बहुत बढ़िया सर क्या बात है सर हम्म बिल्कुल सर क्या बात है, भाव है दोस्त? सर भाववाचक भाववाचक है चलो भाव विहीन करो इनको अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है सर प्रविशेषण शब्द है वो किसकी विशेषता बताता है संज्ञा की सर्वनाम की विशेषण की क्रिया की अरे किसकी विशेषता बताता है सर तो ये विशेषण की विशेषता भैया मेरे बताता ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बताओ सर निरव का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे दोस्त निरव का संधि विच्छेद भैया मेरे क्या होने वाला है नी जोड़ जोड़ो नी जोड़ रहो या फिर नी जोड़ रहो या फिर नी जोड़ जोड़ो सर इसमें क्या होने वाला है सर जल्दी है से बताइए सर सर शुरू से पढ़ रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं भैया मेरे क्या दिक्कत है सर सर हम आपसे शुरू से पढ़ रहे हैं सर पढ़ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं क्या बात है सर तोड़िए सर है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर कमाल की बात है सर तोड़िए सर तोड़ते रहिए सर सर बहुत बढ़िया इसमें क्या हो जाएगा कौन कौन टिक किया है आपके सामने इसको बता दो सर आजन्म में भैया मेरे कौन सा समास है आजन्म में बाबू मेरे कौन सा समास है जल्दी से बता दो आजन्म में बाबू मेरे कौन सा समास है जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर आजन्म में बाबू मेरे कौन सा समास है ओके okay, सर अब यही भाव है ना मेरे दोस्त में भैया हमारे कौन सा समास है अब यही भाव है ना मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्या बात है सर अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर जन्म मरण है ना जन्म मरण में कौन सा समास है मेरे दोस्त है ना जन्म मरण में भैया मेरे कौन सा समास है इसमें बीच में रहेगा सर है ना जन्म मरण में भैया मेरे कौन सा समास है द्वंद है द्विगु है तत्पुरुष बहुब्री भैया मेरे कौन सा समास है जल्दी से बता दो है ना जन्म मरण में भैया मेरे कौन सा समास है तो इसका क्या हो जाएगा भैया मेरे द्वंद समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है ना चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर निस्तेज में सर जी कौन सा उपसर्ग है है ना निस्तेज में भैया मेरे कौन सा उपसर्ग है जल्दी से बता दो नि है निश है निश या फिर नि है ना इसमें कौन सा उपसर्ग है बाबू जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर क्या बात है सर क्या बात है जबरदस्त तरीके से भैया हमारे मजा आ रहा है सर है ना हाँ सर होगा ना सर कंस्ट्रक्शन भी होगा ना भाई हम कहाँ कर रहे हैं नहीं होगा भैया मेरे वो भी होगा है ना इंतजार करो सर वो भी होगा है ना चिंता ना करो सर कल भैया मेरे लगाया जाएगा अपना जो जम है ना के सर लगाया जाएगा देखते हैं सर क्या होता है कल है ना चलो सर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सर क्या बात है सर अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बताओ सर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है ना वो शुद्ध है चलो तो एक बार फिर से बताओ सर इस शब्दों में कौन सा शब्द बाबू मेरे जो है ना वो शुद्ध है इसको आपको बताना सर मैराथन कल होगा मेरे दोस्त आपको टाइम बताया जाएगा कल आपको समय बता दिया जाएगा हालांकि वो शाम में ही हो होगा है ना शाम में ही होगा सर हमको लगता है सर शाम में ही होगा साढ़े छः के लगभग जो है ना इसी के साढ़े छः से साथ ही अभी हाँ यही होगा सर साढ़े छ के आसपास में ठीक है तो शाम में ही होगा सर तो मैराथन में सब बच्चे जुड़ेंगे सर है ना सब्जेक्ट नहीं बताएंगे सर तैयारी तो आपका सबका है ना <laughs> तैयारी तो आप सभी का है सर तो मैराथन भैया मेरे कल लगने वाला तो मैराथन के लिए तैयार रही हो सर जम जमा के हम लोग पढ़ेंगे सर कल ठीक है सर देखते हैं सर कितने घंटे का मैराथन बच्चे झेल पाते हैं सर ठीक है चलो सर इसी कारण से जो है ना कल जो ना, क्लासेज है ना क्लासेस भी हमारे दिन वाला क्लासेस तो 26 जनवरी में कहीं जाना वाना नहीं ना भाई एक क्लासेस सुबह में दस बजे वाली होगी सर है ना दस बजे वाली सर वो थोड़ी सी लंबी क्लासेस होंगी सर तो दस बजे वाली क्लासेज जो है ना वो हो जाएगी सर है ना उसके बाद से सीधा हम लोग मिलेंगे सर साढ़े बजे ठीक है सर बात क्लियर सर तो कल मैं रातन होगा सर तो दस बजे वाले क्लास भी हमारे हम लोग कर लेते हैं कल निम्नलिखित शब्दों में कौन सा ये शुद्ध है सर तो ये उच्छवास भी है मेरे शुद्ध है ऑप्शन नंबर बीज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर चलो सर सर समझ मैथ मैराथन सर मैथ का मैराथन मैथ बहुत दिन हो गया ना सर पढ़े हुए सर है ना क्या बात है सर मैथ का मैराथन चलो बहुत बढ़िया सर मैथ का मैराथन तो देखते हैं सर क्या होता है सर है ना कल की बात कल करेंगे मैराथन लगाते हैं सर बहुत दिन हो गया सर मैराथन को है कि नहीं है चलिए बाबू इसको देखते हैं सबको जुड़ना है मेरे दोस्त बच्चे होने चाहिए सर है ना कल पूरा निचोड़ निकाल देंगे जो भी सब्जेक्ट पकड़ेंगे सर निचोड़ निकलेगा उसमें से ठीक है तो कल जो है ना हम लोग शुरू करेंगे सर अपना मैथ्स वाला ही शुरू करेंगे सर ठीक है मैच का ही रखते हैं सर मैराथन कल मैथ वाले में भैया मेरे सब कुछ जुड़ना सर और कल निचोड़ निकलेगा सर और निचोड़ निकलेगा भैया मेरे जबरदस्त वाला क्वेश्चन जवाब मेरे टाइपिंग करने होंगे जबरदस्त वाला सर ठीक है ना तो कल कल मिलना सर एकदम साढ़े छः बजे शाम में सर सुबह में नहीं सर शाम में ठीक है निम्नलिखित वाक्यों में सर कौन सा वाक्य जो है ना सुधैया बालक कहाँ जा रहा है सर बच्चा का क्या समाचार है फूलों की एक माला ला दीजिए लता दो चिट्ठी लिख दीजिए सर फूलों की एक माला माला ला दीजिए सर है ना ये वाला सही है सर हाँ यही है सर कि हो गई है पर्वत पीर सी है ना अब पिघलनी चाहिए ऐसे क्या है सर वो हम यार हमको आता ही नहीं है शायरी करने ठीक है चलो यार अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं बोलना नहीं आता <laughs> चलो यहाँ पर देखो सर अकल पर पत्थर पड़ना मेरे दोस्त है ना बच्चों के अकल पे पत्थर पड़ गया है सर है ना पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है सर प्रतिभावान होना बुद्धिमान होना बुद्धि का उपयोग करना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना सर है ना अकल पर भैया हमारे क्या होना सर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना सर क्या हो जाना मेरे दोस्त बुद्धि भ्रष्ट हो जाना अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर आधुनिक सभ्य समाज के लिए जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त है ना आधुनिक सभ्य सभ्य समाज समाज के लिए समाज के लिए लिए सर सर सुनो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है कार्य कुशलता के लिए भाईचारे के लिए या फिर रूढ़िवादिता के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं सर कार्य कुशलता के लिए जो है ना वो आवश्यक माना जाता है अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बताओ मेरे दोस्त की श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से किस भाषण का संपादित अंश in है सर द कास्ट इन इंडिया या फिर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट या फिर एनहिलेशन ऑफ कास्ट या फिर हु आर शुद्राज है ना इसमें से भैया हमारे किसका है जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर यस yes, मेरे दोस्त यस एनहिलेशन ऑफ कास्ट है ना मेरे दोस्त ये annihilation of caste का है ना मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका सी नंबर सही है ना सर है ना annihilation of caste यही वाला है ना सर एक बार चेक कर लो मेरे दोस्त नहीं तो पता चलेगा कि मिस मिस प्रिंट मिस टाइपिंग हो गया सर annihilation of caste ही था सर शायद है ना हमको जहां तक है, याद है सर देख लेना सर कि इसमें से हाँ annihilation of caste ठीक है ना सर ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया है सर एनहिलेशन ऑफ कास्ट सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सी बिल्कुल सही है सर ओके right okay, अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको देखो सर ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे बदमाश चोर डाकू बनते हैं यह पंक्ति किस कहानी का है सर है ना किस पात्र ने कही है सर सेन साहब ने कहा है गिरधर ने कहा है सेन सेना साहब या फिर सोफर ने किसने कहा है सर तो इसको कहा है मेरे दोस्त किसने कहा इसको इसको कहा है सर सेन साहब सॉरी सेन साहब ने कहा सर ये सेना साहब ने सर सेन साहब है ना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर किसने कहा है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बता दो मेरे दोस्त किसके अध्ययन से किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है सर है ना विदेश नीति कथा भाषा विज्ञान या फिर दैवत विज्ञान भैया मेरे नीति कथा से जो है ना ये नव जीवन का संचार भैया मेरे वो हो हो चुका है सर नया जीवन का संचार वो हो चुका है अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सर सहजात वृत्या किसे कहते हैं सर अस्त्रों से संचयन को सर अस्त्रों के संचयन को या फिर अनजान स्मृतियों को या फिर स्व के बंधन को या फिर उपयुक्त सभी को यानी सहजात वृतिया हम लोग कहेंगे किसे बाबू ये बता दो सबको मिलकर सर ओके सर कल बाबू मेरे मैथ का पूरा निचोड़ हम लोग निकालेंगे सर और निचोड़ निकाल निकाल के पड़ेंगे सर हाँ सब बढ़िया सा मेकअप शेकअप करके सर फेयर लवली लगा के सर है ना पॉट्स वॉट्स मोगली वोगली सब लगा के भैया मेरे है ना फेयर हैंडसम भी लगा लेना विको टर्मरिक भी लगा लेना है ना ये सब लगा के भैया मेरे सेट वेट खो एकदम आराम से बैठना कैमरे के, के सामने है ना कैमरे के, के सामने मतलब मोबाइल के सामने फिर मजा आए सर मैं रात में अदरवाइज नहीं आएगा सर सजा भैया मेरे अनजान स्मृतियों को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बताओ सर, सर। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले सर पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत से दक्षिणी भारत उत्तरी भारत कहां से मिले हैं सर ये बता दो सर नागरी लिपि के आरंभिक लेख तो भैया हमारे ये जो ये सॉरी ये दक्षिण भारत से भाई भैया मेरे मिले हैं सर दक्षिण भारत से अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर वेतमा दान पत्र जो है ना वो किस समय का है है ना वेतमा दान पत्र बाबू मेरे किस समय का है ये बता दो सर ये दस बीस है सर या फिर दस इक्कीस या फिर दस बाईस ईस्वी की बात हो रही है सर या फिर दस तेईस एक हजार बीस ईस्वी का है या फिर कब का है बाबू मेरे तो ये तिरसठ का आंसर जो ना दस बीस भैया भी हमारे आपने आंसर सही किया है और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्त बहादुर लेखक के घर से सर आखिर क्यों चला गया बहादुर जो है वो लेखक के घर से बाबू मेरे क्यों चला गया दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण या फिर मां की याद आने के कारण या फिर स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण या फिर उपयुक्त सभी के कारण तो भैया मेरे स्वयं के कारण जो है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ था सर अगला क्वेश्चन आपके सामने अब फटाफट आंसर दीजिए सर और आगे बढ़ते हैं हम लोग ओके बाबू हाँ चलो अभी तक 300 भैया मेरे पूरा नहीं हुआ 300 पूरा करो भैया मेरे है ना अपने लाइक की संख्या की बात हो रही है ओके सर चलो तो, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है सर समन्त समन्तवादी में सर पूंजीवादी में समाजवादी अपुक्त सभी में सर तो ये तो समाजवादी तो व्यवस्था में जो है ना भैया मेरे समाजवादी व्यवस्था में जो तो है ना ये ये संभव है सर साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान उसी में संभव है दूसरा किसी में संभव आयु मेरे नहीं है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म बाबू मेरे कब हुआ था चार फरवरी उन्नीस सौ अड़तीस चार फरवरी उन्नीस सौ सैंतीस चार फरवरी उन्नीस सौ छत्तीस अभी चार फरवरी उन्नीस सौ पैतीस कब हुआ था भैया मेरे ये बता दो सबको मिलकर सर हम्म सर सब एक साथ लगाएंगे नहीं मतलब जिसको जो पसंद है सर है ना पोर्स पाउडर जिसको पसंद है सर यस नो पाउडर भी आता है ना कभी कभी यस नो भी आता है सर है ना क्या पता यार ये कौन सा पाउडर था है ना यस नो है ना यस नो पाउडर है ना सुनो था कि क्या पता सर हमको पता नहीं है ना उसका सर और एक तेल होता था सर उसका क्यू कार है ना ये बहुत पुराने पुराने तेल होते थे सर चलिए इसको पता है सर क्या हो जाएगा सैंतीस वाले भैया मैंने क्या अड़तीस होगा सर अरे भैया मैंने सैंतीस होगा कि अड़तीस होगा जल्दी से बता दो सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर क्या बात है सर पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म बाबू मेरे कब हुआ था हमको देखने दो यार है ना सैंतीस था कि अड़तीस था बाबू है ना तिरसठ की बात हो रही है सर है ना जल्दी से बता दो सर ये अड़तीस था कि कब था भैया मेरे या फिर सैंतीस था हमको तो पता नहीं सर है ना हमारे दिमाग से तो उतर गया सर अभी अड़तीस था सर है ना चार फरवरी उन्नीस सौ ही था सर ठीक है सर अड़तीस महोदय आप लोग बिल्कुल सही मारे हैं सर आप लोग बिल्कुल सही हो और हम जो है ना यहाँ पर वो हो गए सर ठीक है अब जल्दी से बताओ सर द मादा मोजले द अवेन्यू किसकी कृति है सर द मादा मोजले द अवेन्यू किसकी कृति है लियोनार्डो विंची का पिकासो का रविंद्रनाथ टैगोर का या फिर विशेंड मैगो का सर किसकी कृति है बाबू जल्दी से बता दो फटाफट सबको मिलकर सर सवा सात में लिखा हुआ है ऐसा लेकिन साढ़े सात में हम लोग करेंगे भाई है ना अरे थोड़ा सा हमको तो थोड़ा सा रेस्ट का समय दो भैया है ना पिकासो बाबू मेरे ये पिकासो की अगला क्वेश्चन आपके सामने ला का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा सर ग्यारहवीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक बारहवीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक तेरहवीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक या फिर चौदहवीं सदी से, से सर फ्रेंच क्रांति तक है ना ये क्रांति लिख लेना सर ओके कब तक बाबू मेरे होता रहा जल्दी से बताओ सर बिल्कुल सही बात है है ना तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है सर तो 68 का एट हमारे डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है मछली कहानी में भैया किस वर्ग का चित्रण किया गया है निम्न मध्यवर्गीय भैया मेरे परिवार का जो है इसमें क्या किया गया है चित्रण किया गया है ओके सर एक बार चेक कर लेना मेरे दोस्त किस कहानी का भैया सॉरी इसमें जो है ना किस वर्ग का जो है ना वो चित्रण किया गया है तो, तो मछली में भैया मेरे तो आप एक बार चेक कर लेना है ना मछली मछली में जो है एक बार आप चेक कर लेना मैं दोस्त किस वर्ग का जो है ना वो हुआ है सर हम्म ओके okay, सर निम्न मध्यवर्गीय ठीक है सर है, है ना क्या हो जाएगा सर नहीं मध्यवर्गीय नहीं भैया मेरे बिल्कुल निम्न मध्यवर्गीय परिवार का जो है ना वो हुआ है सर अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बताओ सर बिस्मिल्ला खा के साथ सर जी किस मुस्लिम पर्व का जो है ना नाम जुड़ा हुआ है तो भैया मेरे मुहर्रम का बाबू मेरे जो है ना वो नाम बाबू मेरे जुड़ा हुआ है मुहर्रम का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर महात्मा गांधी के अनुसार उदात व बढ़िया शिक्षा क्या है सर अहिंसा प्रतिरोध जो सबसे है सबसे बढ़िया शिक्षा है महात्मा गांधी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है सर ये अहिंसा प्रतिरोध अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त कि वाणी कब विष के समान हो जाती है वाणी बाबू मेरे कब विष के समान हो जाती है जब कोई नहीं बोलता ना सर है ना तब विष के समान हो जाती नहीं वैसा नहीं है सर किसी से बार बार बोलो वो नहीं बोलता सर ना बोलब है ना सचो ना बोल नहीं वैसा नहीं है सर है ना ये कैसे है सर ये सर राम नाम के बिना सर किसके बिना सर राम नाम के बिना जो ना बीच के समान हो जाती है अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर अर खान के रचनाकाल के समय किसके राज्य का मतलब उस समय किसका था सर ये मैं आपको दूंगा सर ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ सर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए सर है ना ये कमेंट बॉक्स में आना चाहिए भैया मेरे यहां पर आंसर कोई नहीं देगा सर ठीक है आगे बढ़ते हैं सर इसका आंसर यहां पर कोई नहीं देगा चलो भैया मेरे इसका आंसर बता दो सर सर ने ये परजन्य किसे कहा है कृष्ण को को सुजान को, बादल को या फिर हवा को कवि ने परजन्य बाबू मेरे किसको कहा है तो उन्होंने सर बादल को कहा है किसको कहा है मेरे दोस्त बादल को कहा है बोलो सर बादल को कहा है ना सर अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बता दो सर प्रेम घन जो है ना अपना आदर्श किसे मानते थे प्रेमघन जो है भैया मरे अपना आदर्श किसे मानते थे महात्मा गांधी को विवेकानंद को रविंद्रनाथ टाइगर को भारतेंदु को सर भारतेंदु को मानते थे सर okay सर ओके प्रेमघन भैया हमारे किसको मानते थे अपना क्या बोलते हैं ओके okay सर क्या बात है सर यस yes, भारतेंदु हरिश्चंद्र को बाबू मरे वो मानते थे अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बताओ सर भारत मां के श्रेष्ठ मुख तुलना कभी ने किस से की है सर सूर्य से कंचन से पुष्प से या फिर छाया युक्त चंद्र से तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होने से कोई रोकेगा सर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके सामने है मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है मिट्टी की अबोध मूर्ति बाबू मेरे कौन है नेता जी हैं जनता जी हैं अधिकारी जी हैं कि मंत्री जी हैं मिट्टी की अबोध मूर्ति भैया है मेरे कौन है जनता जी हैं भाई है ना कौन है जनता जी है अगला क्वेश्चन आपके सामने है हिरोशिमा कविता जो है ना किसका चित्रण जो है ना वो करती है सर प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का या फिर आधुनिक सभ्यता के विकास का या फिर प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभिषिका का या फिर आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभिषिका का सर तो ये आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय सभ्यता का जो है ना ये सॉरी मानवीय विभिषिका का जो ना चित्रण करती है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बिल्कुल मत बोलना सर हाँ ये आधुनिक है सर हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था आधुनिक काल में गिराया गया था है ना सर चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको बताओ सर एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है सर दीपशिखा से ग्राम्या से इन दिनों से या फिर चिंता से सर अब देखो इसमें कितने बच्चे गलती करते हैं सर हमको यही देखना है सर ओके सर हाँ माटी की मूर्त है ना सर इसीलिए लूटा जाता अभी देख दो सर पूरा एकदम आंदोलन चल रहा है सर जमजमा के सर ये गलत मतलब इतना जो है ना मतलब उल्टा सीधा काम हो रहा है ना सर इस बार यस मेरे दोस्त यस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिनों की है सर ये और आखिरी क्वेश्चन आपके सेशन का सर गरीब बस्तियों में क्या हुआ था सर कई शिशु पैदा हुए थे दंगे आगजनी और बमबारी हुई थी धमाके से देवी जागरण हुआ था या फिर इनमें से कोई नहीं चलो इसका आंसर बताओ सर आखिरी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सही बताता है सर और जल्दी से बता दो सर हाँ सर एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी वाला भी मामला सेट वो कर दिया सर गड़बड़ी आ दिया सर है ना तीन साल पहले निकाला <laughs> तो कुछ और नोटिफिकेशन दिया अब बदल के कुछ और कर दिया सर ओके क्या हुआ सर धमाके से देवी जागरण हुआ सर क्या हुआ था सर धमाके से देवी जागरण हुआ था मेरे दोस्त आखिरी जो है ना कविता पढ़ना मेरे दोस्त रेनर मारिया लिलके का है मेरे दोस्त है ना इसमें सर नहीं ये उनका नहीं है सर इसमें है सर अरे इसका है मेरे दोस्त भूल गए सर नाम देखो सर अरे इनका है यार ब्रिक्स की हत्या भी नहीं है सर किस कविता का हूँ हमारी नींद है ना हमारी नींद का है सर एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे आगजनी और बमबारी में गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर है ना तो भैया हमारे क्या हुआ था ये हुआ था, था सर और ठीक है सर बाय बाय सबको टाटा बाय बाय फिर मिलता है सर साढ़े सात बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा सर है ना आज हम आपको पांच से सात नंबर देने वाले हैं सर ठीक है ना तो साढ़े सात बजे भैया मेरे जुड़ना सांख्यिकी की में सर है ना सांख्यिकी बहुत सारे बच्चों को समझ में भैया मेरे नहीं आता है ना सांख्यिकी भैया मेरे बहुत सारे बच्चे को भैया मेरे नहीं समझ में आता है तो जल्दी से जुड़ना और प्यार से पढ़ने की कोशिश करना ओके सर तब को बाय बाय टाटा हैव ए नाइस डे सर और गुड नाइट शिवरात्रि ठीक है सर चले सर सर सेंट कौन सा लगाते हैं सर हम अब डीओ का प्रचार करें आ? अच्छा सेंट कौन सा लगाइएगा आप कल सर है ना कोई सा भी लगा लीजिएगा सर है ना उसमें भी आता है सर क्या ना बोलते हैं उसको सर अरे माला सेंट है ना वो लगा लीजिएगा सर चलिए वो